जानते हैं, ये फिल्म मैंने जब देखी पहली बार, पहले तो मैंने देखा कि इतने सारे कभी मेरी फिल्म में नहीं लगे ये सब, ये फेदर्स जो हैं, ये जो लीव्स हैं, न्यूयॉर्क फेस्टिवल, मॉन्ट्रियल, कनाडा, सब ये सब जगह गई है फिल्में और लोगों को पसंद आई है, तो मेरी कभी फिल्मों में ऐसा कभी लगा नहीं। तो मैंने कहा इसमें मुझे अपना नाम देना चाहिए, तो मैंने अपना इस फिल्म के अंदर नाम दिया। खैर वो तो मैंने मजाक के तौर पे कहा, लेकिन ये फिल्म को देखने के बाद एक 28 साल से मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक्टिंग कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, एक पूरा जिसको कहते हैं ना एक पूरा एक्टर मैंने कभी देखा है, तो वो मैंने इस फिल्म के अंदर देखा। एक ऐसा रूप एक एक्टर का कि मुझे लगा कि ये वाकई में जो रोल परफॉर्म कर रहा है ये वाकई में ऐसा ही है। मुझे लगा ही नहीं एक सेकंड के लिए, 28 साल हो गए मुझे कभी इतनी अच्छी एक्टिंग किसी की नहीं लगी जितनी इस फिल्म में इस इंसान की लगी। मैंने अपनी फिल्मों में, इतने सारे फिल्में मैंने प्रोड्यूस की, मैंने कभी भी कहीं भी अपना नाम नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। लेकिन ये 1.5 करोड़ में बनी फिल्म, इसमें मैंने अपना नाम दिया। और उसकी वजह है कि एक ऐसे एक्टर से मेरी मुलाकात हुई जिसको मैं कहूंगा कि इसे कहते हैं एक्टिंग। मैंने कभी नहीं देखी इससे सुंदर एक्टिंग, इससे रियल, और वो है, आप सब जानते हैं, स्वानंद। आप खैर अभी तो ये फिल्म रिलीज 27 जुलाई को होने वाली है, तभी आप लोग देख के कह सकते हैं, लेकिन मैंने इस फिल्म को देखा है, जितना भी मैं इसके बारे में कहूँ उतना कम है। और साथ में ये जो दो छोटे नौजवान हैं, इनकी ये पहली फिल्म है, स्वानंद की भी ये पहली फिल्म है। ये पहली फिल्म में इन्होंने वो करिश्मा कर दिखाया जो मैं 130 फिल्मों में नहीं अभी तक कर पाया। ये वो लोग हैं। और वैसे भी मैं कहूँ मराठी सिनेमा की बात ही कुछ अलग है। मैंने कई मराठी सिनेमा, कई फिल्में देखी हैं, ये मेरी पहली फिल्म नहीं है। ये मतलब मैंने इससे पहले 72 माइल्स करके एक फिल्म थी, वो भी प्रोड्यूस की थी, लेकिन उसमें भी मैंने अपना नाम नहीं दिया, लेकिन इसमें दिया। और मुझे बहुत गर्व है कि मैंने अपना नाम दिया इस पे। तो मैं बिफोर भावे को के मैं और कुछ कहूँ, मैं आपको ट्रेलर दिखाना चाहूँगा। आप वो ट्रेलर देखिए, पहली बार आप लोग देखने वाले हैं, तो ये हटा दीजिए प्लीज़। एंड ये जो आपने देखा, हमारे जो इस फिल्म के लेखक हैं, शुक्ला साहब आइए। सो ये हमारी टीम है जिन्होंने ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है, और बहुत ही रियल फिल्म है, टचिंग फिल्म है। और इस फिल्म के अंदर यही एक चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि माँ बाप अपने बच्चों को लेके ये फिल्म दिखाए, क्योंकि ये बताती है कि दो रास्ते हमेशा होते हैं, एक सही रास्ता होता है, गलत रास्ता होता है, और उस दोनों रास्तों में आपको चुनना है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, और उस हिसाब से ये फिल्म चलती है। अब मैं चाहूँगा कि आप में से कोई लोग, जितने भी मीडिया हैं, जो कुछ पूछना चाहती है और जिनसे पूछना चाहती है, आप पूछ सकते हैं। एक मिनट सर, ज्योति साहब बहुत ही पुराने जर्नलिस्ट है, इन्हें पहले कहेंगे, ये जुरासिक उस टाइम से पुराने हैं। ज्योति साहब, अरे बहुत पहले तो सबसे अच्छा लगा आपसे मिलके। वेयर वर यू सो मेनी डेज, आई हैड नेवर सीन यू। I was not shooting, by the way, abroad. I was on a holiday. Go ahead, Jyoti. First of all, I should congratulate you for having presented this film. I have seen it at Mami Festival. Oh, you saw it? Wonderful films. Please stand up and say this. You know, media people are only saying it. I have seen Chumbak at the Mami Festival, and it's one of the beautiful films I've ever seen. Very emotionally touching.
and it's going to make you richer by several crores. I'm not worried about riching. This is not why I took the film. वैसे भी मैं बहुत सारी फिल्में बनाता हूँ, उसमें भी कमा लेता हूँ. लेकिन ये फिल्म कमाने के लिए नहीं है. ये फिल्म वो है जो आपको एक सही तरीका दिखाती है. जो मैंने जब देखा, मैंने कई फिल्में देखी हैं और कई हर फिल्म में मैं नहीं जाके बैठ जाता हूँ कि मैं बोला, लेकिन ये फिल्म मुझे दिल में लगी है. तो मैं इसीलिए इस फिल्म के साथ हूँ. What was your question? The question is, as you confessed, Akshay Kumar ki most of the films are blockbusters. They never go into festivals. Whereas this is a festival film. What gave you the confidence, Akshay, to back this kind of a film? Because generally most actors, they shy away from touching a festival film. No, I didn't take it for, as I told you, I have not taken this film for any kind of money. Money is not the thing. I have taken it because these are the kind of things I would like to teach my children. And I would, whatever things I would like to teach my children, I would like people to show it to their children so that they can learn what is right and what is wrong. There's always cricket match hota hai, usme bhi toss hota hai, head ya tail. वैसे ही जिंदगी में होता है सही या गलत. हमारे शरीर के अंदर होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल. तो आप पे डिपेंड है आपको क्या चाहिए. सो दिस इज व्हाट द फिल्म टीचेस यू एंड दैट इज इन अ वेरी सिंपल एंड नाइस वे एज यू नो. एंड दूसरा सवाल ये कि नो दैट यू आर, आई नो सेवरल इयर्स बैक यू हैड एक्टेड इन ए मराठी फिल्म फॉर महेश. आफ्टर दैट आई डिडंट सी यू एज एन एक्टर इन मराठी फिल्म. आई प्रोड्यूस्ड अ फिल्म आफ्टर दैट. आई प्रोड्यूस्ड टू मराठी फिल्म्स. या बट नाउ Do we see you acting in a Marathi film in future? I love Marathi cinema. I love it, and I feel, I mean, say their script and screenplay value is much better than our Hindi cinema, and I'm a huge fan of it. इसीलिए शायद ज़िंदगी में मेरे अपने आप ही भगवान की देन से मुझे मराठी आ गई. मैंने मराठी सीख ली और इसीलिए मज़ा भी आता है मराठी सिनेमा खुद जाके देखे नीचे. अगर इफ़ दे डोंट ट्रांसलेट इट ऑल्सो आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग. सो आई होप आई मीन आई गेट समथिंग विच इज़ विच आई कैन परफॉर्म. बट द ओनली प्रॉब्लम विद दैट फिल्म विल बी दैट ऐसे सारे तमगे नहीं मिलेंगे फिर अगर मैं उसमें आ गया तो. थैंक यू अक्षय सर. हाँ जी, अभी मैं जा रहा हूँ एक और सोशल फिल्म करने जिसका नाम है हाउसफुल 4. सो उसमें भी कह रहे हस्तो कशाला रे, तुला ब्रेक दिला ना, अच्छा मत हस्तो कशाला ना. सो या सो इट्स आई लाइक डूइंग ऑल दीज काइंड ऑफ सिनेमा. आई डू एवरी काइंड ऑफ सिनेमा. आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर इमेज. I don't want to tag myself. I keep on breaking my image all the time, and which is always comes as a challenge for me, and which as an actor also, you know, that it keeps you going. So that is why I keep on doing all different kind of films, sir. I agree with that, sir. That there is no doubt about it, because I have seen many Marathi, and they are much bolder. They are much bolder than Hindi cinema also. अक्षय सर, आपके राइट में प्लीज. सर, मराठी मूवीज का यस मैम. सर, मराठी मूवीज का अपना एक चार्म है, कंटेंट किंग है मराठी मूवीज में, और अब अपने नाम के साथ चुंबक मूवी लेकर आ रहे हैं. आपने मराठी सिनेमा पर कभी स्टडी करी है, जैसे शायद पहली मराठी मूवी कौन सी थी, मराठी सिनेमा कहाँ से शुरू हुआ? तो आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं कि मैं मराठी पहली फिल्म मुझे मालूम है मराठी पहली फिल्म कौन सी थी. 1912 में आई थी श्री पुलकित. बराबर है, श्री पुलकित या पुंडली, लेकिन श्री था ना. सॉरी, अ लिटिल बिट मिस्टेक. हाँ, नहीं अभी भी है. बराबर अभी भी है. और
मुझे ये भी मालूम है कि फर्स्ट मराठी टॉकी फिल्म, एक मिनट कोई बोलना नहीं है, ओ खरच परीक्षा चालू है. राजा हरिश्चंद्र पण नाही, अयोध्याचा राजा. मॅडम तुम्हाला एक चुंबकची एक फ्री तिकीट. हेच काय, एक मिनिट हो भांडायचं बाहेर जा ना. सॉरी, हॅलो. सॉरी, तुम्ही आताच म्हटलं की मराठी सिनेमामध्ये कंटेंट हा नेहमी राजा असतो, सुपरस्टार आमचा कंटेंट असतो मराठी सिनेमाचा. तीच कुठे ना कुठे मराठी सिनेमांची USP आहे असं तुम्हाला वाटत नाही का? हो बिलकुल आहे, हीच आहे USP आहे. हे बघा ना, मी हे फिल्म बघितलं, ह्याचं काय आहे, 1.5 करोडची फिल्म आहे, ह्याच्यामध्ये बघितलं मी काय, ते बघितलं मला काय, कंटेंटच बघितलं. म्हणून मी सांगितलं ह्याच्यामध्ये मला नाव द्यायचं आहे. मी ह्याला बघितलं, हे दोघांना बघितलं, मला वाटलं काय हे. आणि ते पण हे पहिल्यांदा ॲक्टिंग करतात, तिघही पहिल्यांदा ॲक्टिंग करतात, त्यांना काय माहीत पण नाही. आणि द काइंड ऑफ ॲक्टिंग दे हॅव डन नाव तो आय हॅव द मीडिया ऑल्सो बॅकिंग मी, मिस्टर ज्योती हू सीन द मूवी. सो आय थिंक मी से दिस इज, आय कम्प्लिटली बिलीव दॅट द कंटेंट इज द किंग. स्वानंद सर, कधी कधी आपण जेव्हा, तुम्हाला हा प्रश्न मी पूर्वी पण विचारला होता की अक्षय सरांचं बॅकिंग मिळालं तर ह्या सिनेमाचं खूप काहीतरी मोठं होणार आहे, खूप आनंद त्या गोष्टीचा पण आहे की अक्षय कुमार सारखं नाव या सिनेमाला लागतं चिमकला? खूप खूप मोठा आनंद आहे, कारण इतकं मोठं नाव जेव्हा एन्डोर्स करतं कुठल्या गोष्टीला तर ऑटोमॅटिकली त्याचं व्हॅलिडेशन खूप वाढतं. लोकांना असं वाटतं की ते म्हणतात ते म्हणजे सिनेमात खरंच काहीतरी आहे. आणि मी जसं संदीप म्हणाला, वी स्टील पिंच आवर सेल्फ, स्वतःला चिमटे काढून अजूनही पाहतोय. मी आत्तासुद्धा चिमटा काढून पाहिला की हे खरं आहे का, कारण द वे ही इज प्रेझेंटिंग द फिल्म, द वे त्यांनी ही पिक्चर ओन केली आहे आमच्यासाठी, इट्स इनक्रेडिबल. अँड दॅट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मराठी सिनेमा अँड कॉन्टेंट. अँड आय हॅव वर्क विथ हिम. पहिल्या पॅडमॅन फिल्ममध्ये मी रायटर म्हणून काम करत होतो तेव्हा मला माझ्या मनात आणि स्वप्नात पण नव्हतं आलं की हा दिवस माझ्या लाईफमध्ये येईल. थँक्यू सर. स्वानंद, अक्षय सर आपने कोई रिसेंटली या उससे पहले भी कोई ऐसी कोई मराठी फिल्म जिसे आप चाहते हैं कि वो हिंदी में बने और आप उसमें काम करें जो आपको बहुत पसंद आई हो? देयर वाज अ फिल्म व्हिच आई सॉ, बीपी म्हणून फिल्म होती. व्हाय हॉलिवूड, व्हाय कांट बी फ्रॉम मराठी फिल्म? अक्षय सर, सर इकडे जयंती फ्रॉम झी चोवीस तास. आय शॅल आन्सर यू लेट. सर जयंती फ्रॉम झी चोवीस तास. सर या सिनेमाचं जे स्क्रीनिंग आहे ते तुम्ही खूप सिलेक्टेड लोकांसाठी ठेवलं होतं असं मला कळलंय, आणि ज्यात तुमची मराठी टीचर सुद्धा होती, तो मराठी टीचरला तो सिनेमा दाखवल्यानंतर काय रिॲक्शन होती त्यांची? आणखी एक प्रश्न यालाच जोडून की तुमची पहिली गर्लफ्रेंड ही पण मराठी होती, तर त्याच्या काही आठवणी? ती पण मराठी नव्हती, महाराष्ट्र नव्हती. त्याच्या काही आठवणी? या सो तिला चांगलं वाटलं. आणि ते सिलेक्टेड लोक नव्हतं, ते हे लोकांनी मला दाखवण्यासाठी ते आणलं होतं, तर मला सिलेक्ट केलं हे लोकांनी, तर ते त्याच्यामध्येच आले होते हे फिल्म बघायला. आणि त्यांना खूप आवडलं. अँड बिकॉज ऑफ हर, आय मीन से शी वॉज अ पर्सन, माय मराठी टीचर हू टॉट मी मराठी, अँड बिकॉज ऑफ हर आय कॅन स्पीक सो मच ऑल्सो. आलम फोटो बाकी ना. सो गाईज थँक्यू व्हेरी मच, अँड आय होप यू गाईज लाईक दिस फिल्म, अँड थँक्यू फॉर बीइंग हिअर. ओ यू वॉच्ड इट टू? Thank you very much.